Hey guys, I'm Akshay Singh from My Black Plate. So first of all, wish you and your family a very happy Diwali if you're watching this video on 14th of November, and if not, then also very happy Diwali in advance for 2021. अब बात करते हैं हमारे आज के टॉपिक पे कि किस तरीके से आप फूड फोटोग्राफी कर सकते हैं फेस्टिवल सीजन में. सो फेस्टिवल का एटमोसफेयर क्रिएट करने के लिए आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है. पहली चीज़ का कलर्स का, दूसरी चीज़ लाइटिंग्स का. ये दोनों ही चीज़ें डायरेक्टली कनेक्ट करती हैं किसी भी फेस्टिवल से. अगर आप इन दोनों ही बातों का ध्यान रखते हुए अपना फ्रेम सेट करते हैं तो आपको कुछ इस तरीके का रिजल्ट मिल सकता है. चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से मैंने अपना फ्रेम सेट किया है इन दोनों ही बातों का ध्यान रखते हुए और कुछ इस तरीके का रिजल्ट मिला मुझे. चलिए फिर शुरुआत करते हैं. मैं शुरुआत कर रहा हूँ अपनी इमेज के हीरो को प्लेस करते हुए और रेलिवेंट एलिमेंट्स ऐड कर रहा हूँ फ्रेम को फिल करने के लिए. एक ज़रूरी बात का ध्यान रखें, आपके मेन सब्जेक्ट के पीछे कोई भी एलिमेंट ना रखें क्योंकि वो आपके इमेज के हीरो को डिस्टर्ब करता है. तो मैं भी अपने लैंप को थोड़ा सा साइड में प्लेस करूँगा जिससे हमारा सब्जेक्ट व्यूअर्स का अटेंशन ग्रैब करे. अब मैं अपने फ्रेम में कलर्स दिखाने के लिए फ्लावर्स ऐड करूँगा और ड्राई पेटल्स की स्प्रेडिंग करूँगा. मेरा सेटअप रेडी हो चुका है. अब मैं फिल कार्ड का यूज़ करके डार्क एरियाज़ को लाइट से थोड़ा फिल करूँगा. फाइनली लाइटिंग के लिए मैं सबसे पहले बैकग्राउंड में फेरी लाइट्स ऐड करूँगा जिससे हमारा बैकग्राउंड डार्क एंड बोरिंग ना लगे. सो नाउ लेट्स लाइट अप द कैंडल्स एंड गेट रेडी फॉर द शॉट्स. तो आई होप इस वीडियो से मैं आपकी थोड़ी सी मदद कर पाया हूँ इस टॉपिक को समझने में. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं जिसमें मैं रेगुलरली अपडेट करते रहता हूँ अपनी फोटोग्राफ्स. अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए आप अपना फेस्टिवल सीजन इन्जॉय कीजिए.